यादव और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज़। और नेक्स्ट नाइन न्यूज़ में आज मैं आप सभी का फेवरेट प्रोग्राम एक लंबे टाइम के बाद लेकर हाजिर हूँ। जी हाँ, बॉलीवुड स्यापा में आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं। और बॉलीवुड स्यापा में मैं आपको एक बड़े स्यापे के बारे में बताऊंगा जो कि बच्चन परिवार से जुड़ा हुआ है। कैसे बच्चन परिवार के ही दो सदस्य, यानी कि पहली सदस्य हैं ऐश्वर्या राय बच्चन जो कि बच्चन परिवार की बहू हैं, अभिषेक बच्चन की वाइफ हैं, और साथ ही कैसे बच्चन परिवार की बेटी यानी कि अभिषेक की बहन श्वेता नंदा बच्चन, इन दोनों के बीच कोल्ड वॉर की खबरें अक्सर ही आती रही हैं, अनबन की खबरें अक्सर ही आती रही हैं, लड़ाई की खबरें अक्सर ही आती रही हैं। इनकी जिंदगी के कई स्यापे सामने आए हैं, उन स्यापों को लेकर आज मैं इस प्रोग्राम में हाजिर हूँ आप सभी के बीच, जहाँ आपको आज मैं दोनों के अनबन के बीच की पूरी अपडेट दूंगा, जो अनबन हाल ही में फिर से देखी गई थी एक एंगेजमेंट पार्टी में। वेल दोस्तों, ये है आज का खास प्रोग्राम बॉलीवुड स्यापा, जहाँ स्यापा जुड़ा हुआ है ऐश्वर्या राय बच्चन और श्वेता बच्चन से जुड़ा। जी हाँ, दोनों ही जहाँ लगातार खबरों में रहती हैं, जहाँ एक तो फिल्म इंडस्ट्री का जाना पहचाना नाम है, काफ़ी नाम कमा चुकी हैं बॉलीवुड सिने जगत में, लेकिन जिस तरीके से श्वेता बच्चन फिल्मी पर्दे से दूर रहती हैं, तो श्वेता खबरों में रहती हैं अपने कहीं स्पॉट होने को लेकर, अपने कहीं आने को लेकर, लेकिन ज़्यादातर खबरें बनी हैं श्वेता और ऐश्वर्या के अनबन को लेकर। कैसी अनबन है जिसकी चर्चाएं अक्सर ही होती आई हैं, आखिरकार क्यों लगातार ही इनके अनबन की खबरें आने लग जाती हैं, और फिर से कैसे इनके अनबन की खबरें वायरल हो रही हैं, आप जानने वाले हैं इस बेहद खास प्रोग्राम में। तो डाली नज़र इस बेहद खास रिपोर्ट पर और जानिए आखिरकार क्यों अनबन की खबरें आए हैं दोनों से जुड़ी, और आखिरकार इन खबरों में कितना सच और कितना झूठ है। जी हाँ, अपनी आज के इस बेहद खास रिपोर्ट में हम आप सभी से बात करने वाले हैं कि कैसे काफ़ी स्यापे रहे हैं बच्चन परिवार में भी, और उन स्यापों ने सबसे ज़्यादा खबरें तब बटोरी हैं जब ऐश्वर्या और साथ ही श्वेता बच्चन के बीच की अनबन की खबरें वायरल होने लगी। आज हम आपको दोनों से जुड़ी जहां खास रिपोर्ट में ये बताने वाले हैं कि कैसे वक्त वक्त पर काफ़ी ज़्यादा खबरें वायरल रही हैं, एक तरफ ऐश्वर्या राय बच्चन को लेकर और दूसरी तरफ श्वेता बच्चन को लेकर। कैसे कई खास मौक़ों पर दोनों को साथ में भले ही देखा गया हो, लेकिन जिस तरीके से दोनों के अनबन की खबरें आती हैं, उससे बॉलीवुड इंडस्ट्री में सन्नाटा सा छा जाता है और ये खबरें लगातार ही वायरल होने लगती हैं। सबसे पहले अब आप सभी से बात कर लेते हैं कि आखिरकार क्यों इतनी ज़्यादा खबरें आती हैं ऐश्वर्या और श्वेता की अनबन की। दरअसल जिस तरीके से हमेशा से ही कई वीडियोस या फिर ऐसा कह लीजिए कि फोटोज सामने आई हैं, तो कई बार एक दूसरे से नज़रें चुराती भी नज़र आई हैं ऐश्वर्या और श्वेता। अक्सर ही जहां ये ननद भाभी की जोड़ी खबरों में रहती हैं, तो अपनी अनबन की खबरों को लेकर ही चर्चाओं में रहती है। जी हाँ, सबसे पहले अनबन की खबरें तब वायरल होने लगी थी जब आराध्या के बर्थडे पर श्वेता बच्चन को नहीं बुलाया गया था। जी हाँ, बीते साल की हम बात कर रहे हैं, जहां आराध्या बच्चन के बर्थडे पर गैर मौजूदगी नजर आई श्वेता बच्चन की, जहां तमाम सितारे मौजूद रहे, आराध्या का बर्थडे अच्छे से भी मनाया गया था, लेकिन नज़र नहीं आई पूरी ही पार्टी में श्वेता बच्चन। इन खबरों ने तब जोर पकड़ा जब आराध्या की बर्थडे पार्टी पर ऐश्वर्या गायब रहीं। तो वहीं इसके अलावा ये गैर मौजूदगी यहीं पर नहीं बल्कि कई और खास मौकों पर देखी गई, लेकिन इसके अलावा फिर सामने आया वाक्य जो कि था अनुष्का विराट के रिसेप्शन का। अनुष्का विराट का रिसेप्शन काफ़ी चर्चाओं में रहा था बीते साल के दिसंबर महीने में रिसेप्शन, जहां इस रिसेप्शन में भी श्वेता और ऐश्वर्या के बीच की अनबन साफ मीडिया के कैमरों में कैद हुई थी। जी हाँ, हम आप सभी से तमाम बातें रिपोर्ट्स के आधार पर ही कर रहे हैं, जिस तरीके से रिपोर्ट्स वायरल रही हैं दोनों की अनबन को लेकर, तो वहीं इस अनबन को पकड़ा गया अनुष्का विराट के ग्रैंड रिसेप्शन पर, जहाँ एक तरफ ऐश्वर्या राय बच्चन आई थी अपने पति अभिषेक बच्चन के साथ, तो वहीं दूसरी तरफ अलग अलग नजर आई श्वेता बच्चन और अमिताभ बच्चन। जी हाँ, अमिताभ बच्चन और श्वेता बच्चन एक साथ आए थे, लेकिन पूरे तरीके से अलग देखा गया इनको ऐश्वर्या और
अभिषेक के साथ जो कि साथ में आए थे। जी हाँ, तभी से ही दोनों से जुड़ी खबरें वायरल होने लगी। तो आपको बता दें कि वीडियो में दोनों साथ में फोटो खिंचाने में भी कंफर्टेबल नहीं लग रही थी, और आप हमारे इस खास वीडियो के जरिए ये चीज़ साफ साफ देख पा रहे होंगे जो कि कैमरे में कैद हुई। ये बात रही कि कैसे अनुष्का विराट के रिसेप्शन पर भी ये अनबन साफ साफ कैद हुई है। वेल, तो वहीं अब आगे बात कर लेते हैं कि कैसे आखिरकार दोबारा से ऐश्वर्या और अनबन की खबरें आने लगी श्वेता के बीच। जानकारी देते चले आप सभी को, जहां अनुष्का विराट के रिसेप्शन पर यह वाक्य हुआ, आराध्या की बर्थडे पार्टी पर यह वाक्य हुआ, तो वहीं हाल ही की अगर बात की जाए तो एक पार्टी में शामिल हुई हैं ऐश्वर्या राय बच्चन और श्वेता बच्चन भी। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी दोनों को जिस तरीके से अलग देखा गया है, तो वहीं फिर से खबरें आने लगी हैं दोनों की लड़ाई की। जी हाँ, दोनों के बीच की अनबन की, जिसको कई खास मौक़ों पर कैप्चर किया गया है। और इसी खास मौके पर जहाँ हाल ही में एक बड़े उद्योगपति की पार्टी में ये दोनों पहुँची थी, तो वहीं यहाँ से भी दोनों का वीडियो तो वायरल हुआ लेकिन अलग अलग। और जिस तरीके से ऐश्वर्या और साथ ही श्वेता की पार्टी के अंदर से भी कोई तस्वीर सामने नहीं आई, तो वहीं खबरें और भी ज़्यादा बनने लगीं ऐश्वर्या और श्वेता की लड़ाई की। हालांकि हम इन खबरों की कोई भी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि खबरों के आधार पर ही हम आपको जानकारी दे रहे हैं जो कि लगातार ही वायरल हो रही है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि भले ही दोनों के अनबन की खबरें लगातार ही वायरल रही हों, लेकिन एक खास मौका ऐसा भी था जब दोनों की अनबन की खबरों को नकारा गया। जी हाँ, दोनों साथ में देखी गई थी जब श्रीदेवी की अंतिम विदाई के दौरान इनको देखा गया था, जहां अंतिम दर्शन करने ऐश्वर्या, श्वेता और जया बच्चन गए थे, तो वहीं तीनों साथ में देखे थे। और उस दौरान ऐश्वर्या और श्वेता के बीच की बॉन्डिंग को साफ साफ देखा गया। जी हां, जिस तरीके से साथ में देखे गए थे, तो वहीं उस टाइम पर पूर्ण विराम लगा था इन खबरों पर जो कि ऐश्वर्या और श्वेता की अनबन की खबरें थीं। लेकिन एक बार फिर से बड़े उद्योगपति के फंक्शन में जैसे पहुंची हैं आराध्या, ऐश्वर्या और अभिषेक अलग, और श्वेता बच्चन और उनकी बेटी नव्या अलग, तो वहीं लगातार ही तस्वीरें वायरल होने लगीं, वीडियोस वायरल होने लगीं जो कि ये साफ बयां कर रही थीं कि कैसे फिर से अलग अलग देखी गई हैं ऐश्वर्या और श्वेता। खैर, इसके अलावा आपको ये बता दें कि हाल ही में श्वेता बच्चन एक वीडियो ऐड में भी देखी गई थी, जिस वीडियो ऐड को काफ़ी पसंद किया गया था, जहां उनके पिता अमिताभ बच्चन भी उस ऐड में नजर आए। तो वहीं ऐश्वर्या के वर्क फ्रेंड की बात करें तो जल्द ही ऐश्वर्या राय बच्चन दिखने वाली हैं फिल्म फन्ने खां में, जो फिल्म 3 अगस्त को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है और जिसका फैंस को बेसब्री से इंतज़ार है। बात की जाए अगर बॉलीवुड में, तो बॉलीवुड में जहां ऐश्वर्या तो एक जाना पहचाना नाम है, उनकी कई सारी कंट्रोवर्सीज बॉलीवुड गलियारों से भी वायरल रही हैं। भले ही वो इंटीमेट सीन्स की कंट्रोवर्सी हो, किसी एक्टर एक्ट्रेस से फाइट की कंट्रोवर्सी हो, ऐश्वर्या की फीस में डिडक्शन हो, या फिर तमाम कुछ ऐसी रिपोर्ट्स हों ऐश्वर्या से जुड़ी, जिन्होंने सभी को हैरत में ज़रूर डाला। लेकिन आज हमने बात की है इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में कि किस तरीके से ऐश्वर्या राय बच्चन अक्सर ही एक खबर का शिकार रही हैं, जो कि खबर रही है श्वेता बच्चन और उनके अनबन की, यानी कि ऐश्वर्या राय बच्चन और श्वेता बच्चन के बीच की अनबन, जो सबसे पहले कैद हुई थी आराध्या के बर्थडे के दौरान। इसके बाद विराट अनुष्का के जो रिसेप्शन हुआ था, इस शानदार रिसेप्शन में भी जिस तरीके से दोनों से जुड़ी ये वीडियो वायरल हुई थी, जो कि आपने इस खास रिपोर्ट में देखी हुई, तो वहीं दोनों की ही अनबन को ये रिपोर्ट बयां करती है। इसके अलावा किस तरीके से अक्सर ही कई वक्त पर कई बार ऐश्वर्या और श्वेता के बीच की अनबन की खबरें आई हैं, कैसे लगातार ही ये खबर भी आने लगी थी कि ऐश्वर्या राय बच्चन और साथ ही अभिषेक बच्चन अलग रहने लग जाएंगे। जी हाँ, यानी कि परिवार जहाँ बिखर जाएगा, तो वहीं ये खबर तो पूरे तरीके से र्यूमर साबित हुए थे, लेकिन ऐश्वर्या और साथ ही श्वेता बच्चन के बीच की अनबन की खबर में कुछ ना कुछ सच ज़रूर था, जो कि आपने खास वीडियोज़ के जरिए खास रिपोर्ट में ज़रूर जाना होगा।
दोस्तों ये था मेरा आज का बेहद खास प्रोग्राम बॉलीवुड स्यापा, जिसमें आज मैंने बात की है एक ऐसे स्यापे के बारे में जो कि जुड़ा हुआ था बच्चन परिवार से, दो नामी चेहरों से, यानी कि श्वेता बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन से। आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। अगर बात की जाए ऐश्वर्या के वर्क फ्रंट की, तो जल्द ही ऐश्वर्या राय नजर आने वाली हैं फनी खान में। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।